சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே த்ர்யம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. चित्रपट सादर करण मंडळी या चित्रपटासाठी मना मित्र संजय सोनवणे चाळीसगाव, संजय अमृतकर बहादरपूर, विजय नाना जगताप सर चिक्स यांनी खूप मोठी हिम्मत दिली. या चित्रपटाचं शूटिंग मी उंबरखेड तालुका चाळीसगाव आठे करण उंबरखंड सरपंच निकम सर, रमेश कुंभारे, ग्रामस्थ मंडळी यांनी मला सहकार्य लाभलं आणि सर्वस्मा अनमोल सहकार्य उंबरखंडना उदारदाता आप्पा साहेब संजय संतोष पाटील यांना लाभणार. मी संजय आप्पांचा खूप खूप आभारी छे. या चित्रपटासाठी त्यांना फार मोठा शिहाना वाटा छे. मंडळी हा चित्रपट म्हणजेच दुबऱ्या नंबर वनना चौथा भाग. मला आशा छे हा चित्रपट तुम्हाला खूप आवडील. तर मग मंडळी चला देखा दुबऱ्याना चौथा भाग दुबऱ्या भाईजान.
कशी हो तू? तुझ्या मार सुमिलात मन भावलेल्या लुगडं काबर नेलो देतो तू? डिस्केल मुसळ आणि अगो माझे डिस्केल मुसळ आणि म्हणत का दांगा तू? फोडू गाव तू ना ओबाडा हा? आता तुला बावली बावली केव्हा ना दिल शेत का म्हैस ना? मी म्हैस नाही बर, मी अजून पाडली शे सांग देत तुले. हा सांगी देत मले. ती म्हणे बहीण दे खरी तुला पैदा कधी संधी व्हायची गई भाऊ. बंबी मला वाजाना पैसा दे बर. आता ये रे तुले बरी माय घालतो तुले. आता ये नोटा दू का चिल्लर दू ये 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 ना देख ना काय तिने गेले लावत नाही मी तू तिने मांगे. अरे नादान ले पुशे जरा पुष्कारी पत्र सांगवा. नादान से काय निंबर बकरी मटक भर माझी टोपला भर पाखरी अंडाली जा काय आवाडा की तुमले काय काम नाही होत. तुमले वरती पर आयल होती ना तुम पहिली पोरलेले ये तुम पहिली पोरलेले ये. अहो म्हणतो दांड्या पोरे आपला सुरत गया सुनीले डुबऱ्याले गया बरीच आपले हात भरलावले पोर. काय हात भरलाय ती तर दरदुल्ली डांगर कुडली दोन वरीस ना पोर ना गात बावली बावली केसी लगीन करना शेमन बावली ना मावसा करत काय बावली संग लगीन बस कमाला जवाई बडा पोरी एवढी मोठी पोर वाय बोलत का बाई रंभा या ना ते आंबा. अगो आंबा का प्राण बडनात अहो आपला जवई राहतास त्याचे पंचर नाही करणार का तू? ओ माईव मन सगडू मगडू डुबऱ्या जवाई राय ना आपली सोनी राणी वी राय दी का? अबो जवाई आपला एक तही राय ना जवाईले हाचे तरी नोटा का बोल नोटा. ओ माईव जवाई राय ना माईव मला जवाईले आज मी आंबाला रसच काय आलो येऊ दे बरं ते असले. राम राम मामा. राम राम जी या जवाई बापू. या जवाई. सुनी सुनी झाला घर वाला शे हा इतलं इतलं कुल्लास ना पाहुणा पिंट्या मन बावलीशी लगीन काय असे का मामा ये डंपर गाडी कसं काय तू? काही डंपर गाडी नाही शे साली शे तुम्ही रमिली बहिणी पोर. ये हत्तीची बच्ची. मी हत्तीनी बच्ची नाही बर मी म्हैसनी पाडली शे सांग ना मावशी या इतलं इतलं कुल्ला ना पाहुणाले कायला बंबी इतलं इतलं कुल्ला इतलं इतलं कुल्ला जवाई जंबी दिसत नाही का तुला? तू बडो पुरी रंबी सर बाकला जल्दी आणि ना पण काय धाडी दे चालो होय बाटगोडी चल इसका थोडा स्क्रू ढिला आहे का हो मामू? साली शे तुम्ही ती अहो तुम्ही ती खेसर करत हा तुम्ही आते वाटा बसा. अरे बापरे परत धरण फुटू फुटू शे मी जरा शिक्षक करिया पाणी बरे आई दुन रे आई तुले वाडे हा एवढा एवढा गुहिना खडा खाशी का? हा दुडुकाला खाशी का? हा गोविंदला वाटत खाशी का? हा चल रे बैला कोपर गाव चल रे बैला कोपर गाव चल रे बैला कोपर गाव गुदबाला मुझे गुदगुली हो रही जावर बुसकी काम धंदा सोडी सन आणि किडा पाड राहिली मारू नको बाबा मी या पिंट्याला खेळवत आहे नो अगो देऊ का तुला पाडळा मा चल गरम कामी आवर साले क्या क्या नमुने है बाप दुनिया में. राजू देख आओ एक नमूना दुनिया में ऐसे ऐसे नमूने ना समझो उनको आसानी से लूटा जा सकता. आज ये खांदीले गंडारूत म्हणजे गंडारूत चल
दिव्या ये बॅग मा 40,000 रुपये आहेत बरं तुम मावशीन लग्न साठी बॅग जमायचं तर राजा दे काका गिराईक आते आपली मज्जा दिव्या तुम मावशीन लग्न मा लाडू काची ना अरे चल मालिकन या मा बघसा ना माल झूठ बोलता है क्या साला हमने सुना नहीं क्या तेरे पास 40,000 की कैश है 40,000 चल निकल माल क्या तेरे निकलो ए अगर मरना नहीं चाहता है ना तो लाए बैग ए अगर किसी को पता है ना तो उधर के रख दूंगा राजू भाई हो गई कमाई काशी खोकला झटपट मोकला अरे वो अशा कोणता झटपट धंदा छे माले भी ते सांगा काय सांगो बाप्पा आम्ही चाकूना दाग दावतस आणि लोकसले लुटतस पटना तुमना धंदा लुटा तुम्ही दुनियाले पण तुमले मी कुठेतरी पाहिजे हो संजू शेमाना नाव 40 गावना रेल्वे स्टेशन ना बाहेर पाटपरी शेमानी होतय की अमर गॅंग में सामील नाही भो अरे मग सटा काटून आते या दल्ल्यांनी वाटत देत राहो गा काय सुमार ना साहेबा होई गया लवकर कर तर पडवा ना बिचारा जवाई बुवा जेवण करता निसत तुई तुई करत होई जवाई बुवा हां जेवण तयार छे तुम्ही जेवाले पटी ल्या मी पाठ कटाते छे आका हो मामी चोनी टवनी आई बॉम्बी कधी तर पंडी बोले टाव पावलं वाडी देती ना बरं साला ये रात अंधेरे की बीमारी कहाँ से लग गई मेरे को रात को दिखाई नहीं पड़ता आना मामी ने पतला का रखा हुआ हाँ ये है पतला जवाई ने भी कर चुका रहा हूँ ना को बिचारा कड़ी तोड़ कर इसन बटना दे ये तुम्हें क्या डाउट है तो खाए नहीं तो खाए बाबा नहीं तो रहे भूख गया पूरा पूरा तालू मिटवा खा ले साला क्या होगा मामी को ऐसा तना पना कर रही तो हाँ अरे बाप रे क्या हुआ हुआ ऐसे क्या उल्टा होता तो काम करे काम से बिगड़े कौन साला मैं उल्टा बढ़ गया भला इसलिए है ना मामी ट्रिंक ट्रिंक कर रही थी अब इनको उल्टा ही ठोकना पड़ेगा आओ जवाई निकले वाले जो निकले कौन करी पता ना जवाई ने भी चपरी छोड़ी दाल लिख रहा नहीं मारी आप साले तुम दोनों क्या पागल समझते हो मेरे को मामी फिर तुम ऐसा उल्टा मुसारा करके काय को बैठे थे अरे मैं उल्टा नहीं बैठा था मामी मैं दीवार का कलर देख रहा था क्योंकि दिवाली पे मेरे घर को भी कलर लगाना है ना मेरे को आशीषेगा बिगड़ा रंग देख रहे कर क्या फिर तुमको क्या लगा जवाई को दिखता नहीं ऐसा ओ तो सुन ले ओ रवि वाली भी जवाब मारते बम्बी ने पानी डाल दी क्या मुझे लगा कि रस डाली हुई उसने अब मामा मामी को उल्टा टूटा ठोकना ही पड़ेगा ओहो तुम्हारा डोया लगा गुलू पड़ गया बम्बी ने पानी टाका अपने कितने का अरे क्या बोलूं मैं मामी की डर से बोला नहीं मैंने मामी क्या बोलेंगी जवाई भी क्या उठकेल है शादी की थोड़ी सी मजाक भी सही नहीं होती मजाक न वक्त मजाक खावा न वक्त कसा नहीं मजाक एक बड़ी जाल पानी जो तुम इतना गाल पट्टा माँ ऐसा है क्या अब दोबारा पानी डालने तो सनी बम्बी को ऐसा दूंगा ना सन न कर
काली साली बंदी, अब जड़ाता हूँ। ओ माय गॉड, ओ यार जवाई ना कर राजा भाई की क्या? कहीं तेरी बात संतोषी? जवाई निमाली सापड़ा, रवि न सुनना गल पड़ा। यक्कर नाक में भी जलमा खूब सिले तू, पर मना जीव जाए रहा ना, तू क्यों ही आना चाहता है? सिले का तू? बाप रे, मैं तो बम्बी समझ के मामी को मार बेटा, अब उल्टा टोटा को ठोकना पड़ेगा साला। साला तू क्या मानुष है रे, सासू शेगा काय छे, एवढे जोर में मारी बसो का? तुम डुबड़ा बाजार को पागल समझते हो क्या? मैंने क्या किया तुमको मालूम है? घर के अंडे किया। अरे मामा, मामी के गाल पे ना मटन दुनिये का मच्छर बैठा था, अगर उनको गाल पे काट लेता तो मामी मर जाती। ओ भाई वो मैंने गाल पर मटन दुनिया ना मच्छर होता, तुम चाहो तो तुम्हें मरी जाओ तू आसो। हाँ मामी, तुम मर जाते उससे पहले मैंने उसको मार दिया ना, वो तुम्हारे गाल पे बैठा था इसके लिए मैंने मारा गाल पे। राम से कह भाई तुम्हें मच्छर मारा सो। अरे तुमको अक्कल हो ना, वो बम्बी ने पानी डाला उसको मारा क्या मैंने, आना माँ समान सासू को मारूंगा क्या मैं? जवाई बुआ तुम्हें खरच रतन से तो पुनः हमने तुमने जतन यत नहीं। साला काय काय आदर दिन की, पहले चिकन मुनिया आते मटन मुनिया, जवाई बापू बल्ले काय लाऊ नका उठा आज खाट वर आराम करा तुम्ही। साला मुझे तो दिखता नहीं, अब खटिया तक कैसे जाऊंगा मैं, कहीं गिर गया तो मेरी पोल फिर जाएगी, चलो अब नौटंकी करना ही पड़ेगी। अरे बाप पासे आ गई है। ओ, अरे मामा साले वो मच्छर के बच्चे ना मेरी आंखों में चले गए। ओ मायो, तू भी कभी पूछेगा डर तो मुझे सोने न तो फिर हो जावे। मुझे कुछ नहीं होगा मामी, मैं रात भर आंखें बंद करके पड़े रहूंगा ना, वो साले खुद ही कुछ मार के मर जाएगी। बरोबर से दोया बदल क्या दोए तुम्हें? मामू तुम ऐसा करो, मेरे को अंदर उठा के खटिया पे लटा दो। मतलब वो मामे ने जवाई ले मरी माय खाई जो कताई दूना मटन दुनिया को लेटा हूँ। साला ये रात अंधेरी वाली बीमारी को मिटाना ही पड़ेगा मुझे, ये रात अंधेरी वाली बीमारी देवी ही दूर करेंगी। चलो अब देवी माँ को बुलाता हूँ मैं। हे देवी माँ दर्शन दो मुझे। दुबरिया बालक ईगो मी। प्रणाम माता जी। बोल बालक कई संकट है तुनावर? माता जी मुझे रात को कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस मुसीबत से बचा लो मुझे। बालक याले रात आंधळ आजार म्हणतस पण तू चिंता करू नको, आत्ते मिटाडस तुनी बीमारी। धन्य हो माता, मैं आभारी हूँ आपका, चलो अच्छा हुआ भला टली। आधी तो सुखी राय तथास तू। क्या बीमारी थी बाप, चलो अब घर को गटलू, मामा और मामी रास्ता देख रहे होंगे। पता क्या है ना आपला जवाई कोनी मने मारे ना मंदिर कड़े हुई तड़ी भी तो देगी उन्हें तड़ी भी तो पता नहीं से आना कता गया भी तेरा तपास नहीं ना कुड़े कुड़े ढूंढे उन्हें तेला पून ओ माय वा तो देगा कहो तो आई वा तुमने कुड़े कुड़े ढूंढे उन्हें और तुम्हें आड़े ही बस दात क्या करते मामा, रात की घटना से परेशान हूँ मैं। अहो आपलं कोणच काय म्हणणं नाही, आता कशाला परेशान होत असतो मी? आता उगी गेलो बाय्या ते जाऊ द्या, तुम्हाला मामा काय सांगतस ते करा। चलो जाने दो, बताओ आप क्या करना है? तुम्हारा पण एवढा दिमाग छे त्याला काहीतरी उपयोग करा, तो चाळीस गुणा समजू देखा ना, रात भर पांडवरेणीचा मच्छर उड़ाए मच्छर, आता तो नोटा उड़े रहा नोटा। क्यों ऐसा कौन सा धंधा शुरू किया उसने? दोन जण जत्त्या बदरमा गिराई घेरतस आणि चाकूना जाई किसा खाली करतस। मामा हम जो भी करेंगे वो चाकू छुरी से नहीं, अक्कल हुशारी से करेंगे। मग जल्दी करा ना पाव ना, आम्ही शेत तुम्हाला सांगे, तुम्ही जे सांगशात तो कुबाडा करतो आम्ही। हा पावना आते एक ती एक अशा भारी फंडा काढा आणि दुनियाले लुबाडा। तो चलो आज से ही शुरू हो जाते हैं। देख राजू मी ना मोबाईल लिना मनी सरिता साठे। अरे वाह बहुत अच्छा। संजू उस दिन 40,000 रुपए देना, देखो उस दिन का बुड्ढा। ओ जोई बुआ
ज्या मनगटवर शंभर पुसतस त्या पैसा कमाय राहिला, मग आपण कसा मागे राहावा ना? काहीतरी चक्कर शे बर, देखना पडी सालासना खुदबा। मामा अब हम भरे बाजार में ड्रामा खेलेंगे जिसमें मेन रोल होना मामी का। मामी चलेगा ना? चलेगा चलेगा, तुम्ही काय भी सांगायचे भाई, मी सगळ्या ठिकाणे ना उरी पुरी निघसू। चला राजा, या तर आपलाच जात भाऊ दिखतस, चल देखेंगे सालों का क्या ड्रामा आहे। ओ बने माय ओ काय भीती ओ भाई ओ माय ओ काय करू बा ओ भगवान काय करू मी काय जे मंडी ओ काय जो काय राडे कान कुकड़ा कोणती बीमारी है? अरे तू ना कान साडी जातील
माख्या बन बन करते तू आठ थाम मी घर जायचं ना कपडा भी नाहीये आणि हयात भी नाहीये मग आपण दोन्ही लगीन लावता अरे तेरी भावशी तुझे खाणी नाही देगी और अपनी शादी होने नहीं देगी तिने नक्त नाकच तोडी टाकसू मी येस मी लाखो में एक होमी मेरी गिरगी अरे ग्वाले गाँव में ना सबकी नाक कटवा दूंगा मस्त नाटक रंगा ना मी तू बाजार मा फटाफट लोग पैसा काढी दिला वाय दुनिया कशी शे जो बनाई नियडा तोच काहीच पेडा अहो अशीच आवत चालू आहे आपली जवायशी ना ताजी हा हो आपला जवायशी धनचिड लोकसले बनाई येड तुम्हाला दवाई लोकसले बनावतो येड पण मन लगीन ना राहीन गदड ओ 14 पायनी कधी तर पडली होती वा तू कुदाई आता मी कायम नाही तर पडी राहिलो राहतो आता एक बोकांडी कोणी बोकांडी मला सो बंडा तू काल सोया पोळी टाकसू तू न्या तुम्ही बहिणी अजिबात म्हणाल नाही नी तिले जशी माती तशी मातू दी पैसा कोलीस काही अरे फिर रोता शिव भाई तू काय सांगू दादा मला बायकोला वालमा बुंगरा पडी गया डॉक्टर ऑपरेशन करायला 3 लाख रुपया मागी राहिला दादा बापरे 3 लाख हा दादा मले बायकोला ऑपरेशन नाही जाय ती मरी जाई
मन आई नादान बच्च उघडा पडी जाई मुकुंद्या कस विरे तुल देखो भाईओ बिचारे पे कैसा टाइम आए दुश्मन भी हो उसके ऊपर ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए डोया राहता तो साले मैंने लागे सन्मानी बायकोली भी वाचाडी ले तू पण देवना मला डोया भी नहीं ठेवत रोमत भैया जान बच जाएगी तेरी बीबी की काय वाची दादा 3 लाख रुपया कथा है गानो मी अरे लोग क्या काम के ये देंगे ना हजार हजार दो दो हजार अरे दादा सो या मना नादान बच्चाला आशीर्वाद लिया ए भाई कोण चार आहे तू मन नवरा नको पकडून टेलचे ते भी चार नको का भाभी तुमको काम करने की जरूरत नहीं तुम भागो यहां से ओ मंडई आंदेनी भाई को तो चांगली जे इना का जरा वाल खराब मना नवरा आंदे ऐसे करे मना वाल खराब सांगा छु मना वाल खराब राता दाडी चट तू कमी भाभी तुम जाने यहां से ले मरी मां का तूने टकले ले तू ना मां काय भी आई दूसरू अरे ओ बायको ना वाल करा सांगे काना सालाना चश्मा अरे दोन्ही बांधता क्षेत्र आहे मला 40,000 रुपये क्या हालत करली रे लोगो ने अरे राजू काय बेकार लोक आहेत रे या उमर खेळणार रे बाप रे बाप अरे बाप आई म्हणे बायको कटून कटून येऊन कटी मरणी तर पंडे आटे ओ बापरे ओ बापरे ओ बापरे ओ बापरे क्या नानी अरे सोनी क्या बोली तू अपना मुन्ना नानी नानी बोलता है अरे यार तेरी मम्मी तो कमाल की एक्टर निकली अरे क्या नहीं नहीं सोनी अरे मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा अपनी जिंदगी की लड़ी कभी नहीं टूटेगी आज भी मुझे याद है अपना वो प्यार भरा गीत जिंदगी की ना टूटे लड़ी जिंदगी की ना टूटे लड़ी जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी राजू त्या दिन नोट म्हणजे नोट येते रे पण साली म्हणे बाईक मध्ये गंमत ना साडी दिनी रात गई बात गई अभि आगे काय करणे का ओ सोच यार राजू आज 2-4 डांगरासले चुना लावत म्हणजे लावत देख रे राजू तो डुबरे आणते ना सासू सासरा हा यार उनका कुछ तभी चक्कर लगता है चाल चाल देखू त्याचा नवीन काय कुबडा करतस त्या क्या
Thank you.
झिंगा पसंद जाया, मान झिंगा पसंद जाया। कसम आरस जावा डो या मान झिंगा पसंद जाया। देनगी देना रस मा हिरो लोकेशन यादी तयार करी ना तू। अरे हाँ यार, इसमें वो नया डीएसपी का भी नाम है। एकदम मस्त कय व्यस्ती जसा त्या दयाराम शेटले थगाडा ना तसा आपू भी एखादी बकरा देखू। अरे बाप रे दादा कोणते 1 लाख, निळूभाऊ फुले 1 लाख, सुनील दत्त 1 लाख, राज कपूर 3 लाख। दादा तुम्ही बड़ा चंदा दे दो। हा दादा योजना यादी मग तुम्ही भी नाव संपू द्या, कृष्णा देणगी पेक्षा सुनील देणगी जास्तच पाहिजे। आणि हे कोण आहेत? विजय जगताप। या विजय जगताप डीएसपी साहेब शेर। डीएसपी साहेब आपला आठे नवीन डीएसपी आहे त्या 3.5 लाख रुपये देणार तेसन यादी मध्ये का ना। म्हणजे डीएसपी साहेब तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटले? अहो भेटणार, म्हणजे त्यासना गरगरीत होता आम्ही, त्यासनी बायकोनी लिंबू सरबत पाजा आणले। लिंबू सरबत पाजा? खोटं बोलता का रे? येडं बनवतोय का मला? आम्ही कसलं येडं बनवतो? तुम्ही साहेब नेचरिया ना, अहो ती तायवना साठे कोंबडी कामा ना बने। साहेबांना विचारू असं? मी कोण आहे माहिती का तुम्हाला? कोण या? अरे भडवीच्यानो, नवीन आलेला डीएसपी विजय जगताप मीच आहे। अरे हराम कोरांडो, मी 3.5 लाख रुपये दिले असं म्हणता तुम्ही? चला आला ते पैसे इकडे ठेवा इथं लवकर। दादा कोण के निळू फुले हे सर्व हे जीवत आहेत हराम कोरांडो? मेलेल्या माणसाची यादी दाखवत मला। अरे टकली ना मरे लोकच यादी करी तू, एक भी चित्ता सापड़ना नहीं। कौन कहते हैं मरे हुए? मैं तो रोज उनको टीवी पे देखता हूँ। अरे हराम खोर, जासूसी करता। अरे कर सांगा,
किती लोकांना ठगवलं तुम्ही आणि किती पैसे गोळा केले आतापर्यंत? बोला ना खडकुमीने हो आमना बा आमना पहिले गिरे तुम्हीच होता. नाव काय रे तुमचं? काय काम करतात तुम्ही? कुठं राहतात? बोला लोक. माझं नाव संजू शे, येणं नाव राजेश शे, चाळीसगाव ना रेल्वे स्टेशन ना बाहेर टपरी शे, नाव मशी बादर. खोट बोलतात आराम पुरानो. निका मोरे या दोघांना ताब्यात. आतंकवादचा गुन्हा लावा यांच्यावर. आम्ही घरघर सांगतस चाकुरा दाखतायस आम्ही लोकसले लुबाडतस. अरे घेरे ना ताब्यात. बहिणा टाकली ना देसपीन नाव कस जप मारे टाकत तू नगता. कुछ खिलाना यार नाश्ता पानी, जोर से भूख लगी है मुझे. अरे घूमना करनी मेरे पास है ना पाँच की पत्ती है, क्या क्या खा देगा चल मेरे साथ. पाँच की पत्ती में क्या होगा यार? अरे जिसको है टक्कर उसके पास है अक्कल. मैं क्या करता चल मेरे साथ. अरे देख बंगी वो है होटल. अरे हाँ यार. अब होटल में तुझे क्या क्या खाना है? पलंग तोड़ के खाना बाकी टेंशन मत लेना. और तू? मैं जाऊंगा बाकी अलग से बैठ कर चाय पीऊंगा. तू खाली चाय पिएगा? हाँ चाय पीने के बाद मेरा बिल तुझे दे दूंगा और तेरा खाने का बिल मुझे दे देना. फिर तू काउंटर पे जाना, 5 रुपया चाय का देना और फटक से खुश हो जाना. चाय का पैसा कहाँ से दूं? मेरे पास की पत्ती. और हाँ वहाँ वैसे बात मत करना, चल निकल. आप होटल आ जाएंगे ऐसी की तो तैसी. सब साफ कर दिया तूने? अरे मैंने कुछ नहीं खाया, तुम्हारे वेटर से पूछो.
ए राजू इकडे बोला से जा रे भाई मैंने भजिया खाया नहीं मैंने पाव वाले खाए नहीं मैंने लंगर वाले खाए नहीं कुछ भी नहीं खाया तेरे पैरों में चप्पल आए है लगा सेठ के कान के नीचे ए साले तू बकता है के क्या करता है अरे कब तो रहा तू अरे साले मैं तो मुझमोली की औलाद है इतना माल खा जाऊंगा क्या फिर ये बिल बिल जाएगा चूल्हे में और तू जाएगा जेल में लोगों को थकाता है तू अरे कौन अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ अब पुलिस के सामने मैं खुद खुशी कर लूंगा और मेरा पोस्ट मार्टम होगा अगर मेरे पेट में से पाव वाले और भजिए नहीं निकले तो तुझे फांसी होगी फांसी हेलो पुलिस स्टेशन ओ मेरे बाप पुलिस को बोल मत लगा कुछ मत दे मुझे अरे मैंने कुछ खाया नहीं तो बिल क्यों दूँ क्या रे बेटा मैंने भजिया खाया नहीं मैंने पाव वाले खाए नहीं मैंने लहसुन खाए नहीं और कुछ सेठ जी ओ मेरे बाप जल्दी से रास्ता नाप चल 500 रुपए निकाल मेरा टाइम बर्बाद किया तूने 500 रुपए क्यों दूँ नहीं क्या चल अब भी बुलाता हूँ पुलिस को अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अरे ये मेरे बाप ले ले नहीं जा आता हूँ क्या था बालक बहुत अच्छी बांसुरी बजाते तुम सुनकर बहुत आनंद मिला अरे यार तू ऐसे टाइम पे आया मेरे पास 2 रुपए छुट्टे भी नहीं है ठहर जा देखता हूँ अरे ये सौ की पत्ती है ले रख ले मैं रुपया लेकर क्या करूँ मुझे नहीं चाहिए रुपया पैसा पैसे कैसे नहीं लेता सवेरे तो बाजार में 2-2 रुपए मांग रहा था तू और तेरे साथ में बजाने वाले भी थे वो कोई और होगा मानो मैं तो बस अभी आया हूँ अरे तू ही था ना यार चौधरी के होटल में तूने बासी भजिए खाए तुमने जिसे देखा वो 2 रुपया होगा फिर तुम कौन हो नारायण नारायण मैं देव ऋषि नारद मुनि हूँ मानो अरे बाप रे नारद मुनि माफ करना नारद मुनि ये डुबरिया भाईजान आपको क्या क्या बोल गया कोई बात नहीं डुबरिया भाईजान मैं तुम पे नाराज नहीं हूँ मुनि जी आप तो स्वर्ग में रहते हो आज धरती पे कैसे नारायण नारायण मैं स्वर्ग धरती पाताल सब जगह आता जाता हूँ अब पाताल से स्वर्ग लोग जा रहा था तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनाई दी इसीलिए यहाँ चला आया नारायण नारायण टिंगरी वाला रे टिंगरी वाला मना पाना जोड़े टिंगरी वाला बम्बी ये क्या लगा तूने नारायण 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 भगत पाई का तूने तूने बकरी डाकरी का तन बचा रहा ले बम्बे चुप बैठ जानती भी है कि तू ये कौन है मन में इतने का और कौन है और टिंगरी वाला से टिंगरी वाजू वाजू खाना मना साऊ अरे ये नारद मुनि है मेरी माँ हाँ तो बादल पूर्णा संजू आनी से या ना कंट्रोल ना दुकान है यान मन माउचले साढ़े पटक तांडो दिन तक मुनि जी ये मेरी साली है छोटे बच्चे जैसी हरकत करती नारायण नारायण ओ टिंगरी वाला एक मस्त पैके भी लाओ गाना मनना रे देख माँ मिकस ठुमका लावस कौन तो गाना होता थे हाँ I love you प्यार करो छू आसा मनना बिलव गाना ये बिलव गाना क्या होता है बाला बिलव गाने में वो मजा होता है मुनि जी जिसे नाचते नहीं आता वो भी नाचने लग जाता है ऐसा तो क्या मैं बिलव गीत का आनंद ले सकता हूँ क्यों नहीं मुनि जी ये देखो अब तुम भी नाचने लगोगे I love you प्यार करो सो चट्टू मटुंगा ताला लाए देना तू I love you प्यार करो सो चट्टू मटुंगा ताला लाए देना तू हाँ
ప్యారి కరుసు చెట్టు మటు నా తల లైదినచు ఐ లవ్ యు ప్యారి కరుసు చెట్టు మటు నా తల లైదినచు చోకని బింది ఘడి దినచు చోకని బింది ఘడి దినచు చెట్టు మటు నా తల లైదినచు చోకని బింది ఘడి దినచు చెట్టు మటు నా తల లైదినచు ఐ లవ్ యు ప్యారి కరుసు చెట్టు మటు నా తల మజా ఆయా నా ముని జీ మస్త్ మజా ఉని కారే టింగ్ వాలా తుపి తో మస్త్ డుంగారా అలవస్ రే నారాయణ నారాయణ కాయ కడి కడి నారాయణ నారాయణ కరస్ రే పావనా మిలేస్తే నారాయణ భగత్లే బలైసన్ హా जा मेरी माँ, इसकी बात का बुरा नहीं मानना मुनि जी। बोलिए, इसके वजह से बिलाव संगीत का आनंद मुझे मिला। ऐसा संगीत हमारे स्वर्ग लोक में होना चाहिए। तो ले जाइए ना मुनि जी, इसमें एक से बढ़कर एक बिलाव गाने हैं। हमारे स्वर्ग की अप्सरा, उर्वशी, रंभा, मेनका इस गीत पर ऐसा नृत्य करेंगी सारा ब्रह्मांड डोलने लगेगा। मुनि जी, हमारे यहाँ भी तीन अप्सरा है, वनमाला बागुल, विद्या भाटिया और पिंकी शर्मा। अरे वाह, नारायण नारायण। बात करना चाहते हो? देखो अब वनमाला अप्सरा से तुम्हारी बात कराता हूँ। हेलो वनमाला जी, डुबरिया भाईजान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो डुबरिया भाईजान। यहाँ मेरे पास स्वर्गलोक के नारद मुनि आए, जरा उनसे बात कर लीजिए। काय मजा की तरह आओ। सच कहता हूँ मैडम, ये लो मुनि जी से बात कर लो। हेलो मुनि जी, बात कर लो। प्रणाम अप्सरा जी। नमस्कार सर, तुम्ही कोण आहात खरं सांगा ना। नारायण नारायण, मैं सर नहीं हूँ अप्सरा जी, मैं नारद मुनि हूँ। जाऊ दे यार, मी शूट आहे, मला आवरायचंय। अरे ये तो बंद हो गया। अरे हाँ, शायद वो शूटिंग में हुए इसलिए फोन काट दिया उन्होंने। ये ऐसी कौन सी चीज है, इसमें गाना भी बजता है और बातें भी होती है। इसे मोबाइल कहते हैं मुनि जी। ये अभी अप्सरा बोल रही थी, ये कहाँ पर है? वो मुंबई में है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी पे। नारायण नारायण, ये तो बहुत कमाल की चीज है। वो अप्सरा इतनी दूर होकर भी ऐसा लगता है वो हमारे करीब से बोल रही है। ये विज्ञान का चमत्कार है मुनि जी, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हम बात कर सकते हैं। मुझे तो विपत्ति के समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास खुद भागना पड़ता है। अगर ये चीज मेरे पास रही तो मैं घर बैठे सब कुछ कर लूंगा। पर मुनि जी, तुम जिनसे बात करोगे उनके पास भी तो मोबाइल होना जरूरी है ना। तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा, क्या तुम ऐसे दो चार नमूने दे सकते हो? अरे दो चार क्यों, मुझे शहर लेके चलो, तुम्हें 10-12 मोबाइल दिला देता हूँ। मोबाइल की दुकान, चलो वहाँ। नारायण नारायण। नमस्ते सर। नमस्ते, कई दागू का नवीन हैंडसेट वगैरह है? सबसे महंगा और कीमती हैंडसेट कौन सा है? सैमसंग गैलेक्सी है, 30,000 का नवीन आया है, दागू का। चलो 10 पीस पैक कर दो मुनि जी, मैं आता हूँ। हला कोई है क्या काना बाना जिसे लगा सकूं मैं चूना? अरे हाँ, मिल गया खजाना। वनमाला मैडम, हाँ उंबर खेडला शूटिंग सुरू करतोय, चौधरी सर बोलतोय, आपले संजय अप्पा आहेत ना उंबर खेडचे?
ते या चित्रपटाचे निर्माते आहेत, फायनान्सर आहेत. हो असं नाही चालणार, तुम्ही सांगितलं होतं ना मग यायला पाहिजे. ठीक आहे एक दोन दिवसांनी या. चालेल चालेल चालेल. थँक्यू थँक्यू. नमस्ते सर. अरे वा डुबऱ्या भाई जान, खानदेश का सुपरस्टार, नमस्कार. अरे कालच तुझा 3 तिघाड्या चित्रपट पाहिला, काय आतंकवादीचा खात्मा केला तू? वो तो सब बी कुमार दादाची आयडिया आहे. वा वा मानावं लागेल बी कुमार दादांना. काय चित्रपट बनवला? 3 तिघाड्या 10 वेळा पाहिला मी. सर मेरी अब एक इच्छा आहे, कोई बड़ी फिल्म में काम करू. अरे मग बनवतो ना मोठा चित्रपट. संजय अप्पा फायनान्सर आहेत, घेतो ना तुला त्या चित्रपटामध्ये. सर मुझे आप भगवान मिल गए, आपके फिल्म में मैं फ्री में काम करूंगा. अरे डुबऱ्या भाईजान तू इकडे कसा? सर मोबाइल की दुकान पे 30 रुपए का वाउचर लेने आया था, पर उसके पास छुट्टे नहीं. तुम्हारे पास है क्या 1000 के छुट्टे? अरे भाई पैसे रख जेब में, मैं दुकानदार को 30 रुपए दे दूंगा. थैंक यू अप्पा, मैं डाल लेता हूँ वाउचर. अप्पा साहेब खानदेशातला नंबर 1 कलाकार है. बिल 3 लाख रुपए. अरे मिलेंगे ना यार पेमेंट, मैं थोड़ी भागे जा रहा हूँ. चलो 30 रुपए का एयरटेल का रिचार्ज दे दो. एक रिचार्ज 3 लाख 30 रुपए झाले. तुझे भरोसा नहीं है क्या यार? वो देखो हमारे निर्माता साहब देने वाले. सर इनको बता दो. तुमचं काय बिल असेल मी देऊन टाकतो. हो गया ना कन्फर्म, बिल साहब को दे देना, चलता हूँ मैं. अप्पा साहेब आपला चित्रपट धमाल करेल यात शंकाच नाही. अप्पा साहेब इथे बुटके माणसाचं बिल. 20 रुपयाचं बिल कशाला आणलं बाबा? अप्पा साहेब 30 रुपयांनी 3 लाख 30 रुपये बिल. अरे बाप एवढं बिल कसं आहे? अप्पा साहेब 30,000 प्रमाणे सॅमसंगचे 10 पीस घेतले त्यांनी. अप्पा साहेब अरे बापरे या डुबऱ्याने काय चुना लावलं आपल्याला. नारायण नारायण, आकाश धरती पाताल अब मुझे कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं. मेरे पास मोबाइल होगा, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के पास भी मोबाइल होंगे. डुबऱ्या भाईजान तूने मुझे भाग दौड़ करने से बचा लिया. नारायण नारायण. ऊपर जाके तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे मुनि जी? अरे नहीं भूलूंगा डुबऱ्या भाईजान, मैं तुझे अवश्य मिलने आऊंगा. जरूर आना, पर फुर्सत में आना, मैं तुमको है ना दौरानी कोमड़ी खिलाऊंगा. अरे चीची ऐसा मैं कुछ खाता नहीं. डुबऱ्या भाईजान मेरे जाने का समय हो गया. नारायण नारायण. ये लो मुनि जी मोबाइल का पार्सल. प्रणाम मुनि जी. आयुष्मान भव. नारायण नारायण नारायण. और मुनि जी तुम जिन जिन को मोबाइल देंगे उनके सबके आधार कार्ड लेके आना, आधार कार्ड बिना सिम कार्ड नहीं मिलेगा. चलो नारायण भगत ने बोला वो बकरे लीसन. अरे बम्बी कब जाएंगे तेरा नादनपन चिकारियापन? क्या संगी रहे ना रे मने नादनपन चिकारियापन. हाँ नादानपणी न चिकारपणच, नादानपणी न चिकारपणच, नादानपणी न चिकारपणच, नादानपणी न चिकारपणच, चिकारपण जाईना
है साली प्यार करना प्यार करना, है साली प्यार करना, है साली प्यार करना प्यार करना, है साली प्यार करना। तोंडला पावडरी न ओठला लाली, 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 लाली न रंग जाईना, है साली प्यार करना प्यार करना, है साली प्यार करना, है साली प्यार करना प्यार करना, है साली प्यार करना। रंदी आपला डुबऱ्या जाय कुठे जायचे घेऊन कदा आळे चिड्या माराले। अरे काळजी काय करान कुठे जावान ती इचार होत त्यातले माने। कल हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है मामा, बकरे खुद हमारे ऑफिस में आएंगे। अपना ऑफिस में? आपला तो ऑफिस कुठे छे? ऑफिस भी होगा, कल हम वही पर बैठ के चार पांच बकरे काटेंगे। ओ माय वो चार पांच बकरा, तो ते बकरा ले अपने कड़े दाढ़ी कौन? कल का अखबार, अखबार में छपा समाचार। आज की ताजा खबर, दुबरे भाईजान की खास खबर, शंभर कोटी की रेलगाड़ी फक्त 2 लाखात, आणि ही संधी फक्त एक दिवसासाठी। पेपर घ्या आणि संपर्क साधा। आज की ताजा खबर, दुबरे भाईजान की खास खबर। हो काय चक्कर से नाही बाबू, 100 कोटी की रेल्वे गाडी 2 लाख मध्ये दिला तुम्ही? हां काय तो करणे बाकरी उकळलं खासार कसे? अहो एक गाडी मागे 99 कोटी 98 लाख रुपया टाकला शेत, हो काय साधा गाडा शे? हा ना ओ माय, असं घर घालू तंदा टाटा बिरला भी करावनी। ये दिमाग का खेल है मामी, बस अब तुम देखते रहो मेरा खेल। काय खेळ शे रंदी, काय समजती मलाही? ये आखरी खेल है मामा हमारा, आखरी चाल और माला माल। आखरी चाल नी माला माल? हाँ, अब तुम दोनों एक काम करना। काय करू? अब जो भी यहाँ रेलगाड़ी खरीदने आएंगे उनसे फटाफट 2-2 लाख रुपए जमा करना। हो पल। अब तुम क्यों होते हो मामा परेशान, है ना डुबरे भाईजान? जब सागी रहना ना कि पैसा जमा करा, बाकी ना कुछ बगदार करा ना तुम्ही। डुबरे भाईजान शेत का हमले तसले बैठाने से आ गए बकरे, देखो कैसा हलाल करता हूँ साले को। आ जाओ भाईजान, दरवाजा खुला है। राम राम, राम, राम बैठिए भाईजान। आज ना पेपर मा रेलवे गाड़ी ने जाहिरात वाची आणि लगेच तुमच्याकडे उमर। अच्छा तो तुम सबको रेलगाड़ी हो ना? हाँ भाईजान, हमने सर्वज ने एक एक रेलगाड़ी लेनी से 2-2 लाख रुपया लेल चक्का। हाँ लेल छे। एक रेलगाड़ी की कीमत 100 करोड़ रुपए है, पर मैं तुम्हारे को 2 लाख में दूंगा, है क्या नहीं तुम्हारे फायदा? फायदा दिखना मनुते मनु तुम्हारे भाईजान आने। मैडम सबसे 2-2 लाख रुपए ले लो। यस चलो भाई, अपना अपना पेमेंट जमा कर दो। अरे गिनने की जरूरत नहीं है यार, भरोसा है मेरे को तुम सब पर। चलो बैग यहाँ पर रख दो। हाँ माइकल, 5 रेलगाड़ी तैयार करके रखो। हाँ हाँ वो भी सुपर फास्ट। अरे 8 दिन नहीं बाबा, परसों चाहिए, एकदम अर्जेंट। हाँ ओके। आता मैं कहो यानो भाईजान, परसों परसों आओ, बटन दबाओ और अपने अपनी रेलगाड़ी लेकर जाओ। हाँ और एक बात सुनो, तुम्हारे सबके आधार कार्ड लेकर आना। चलो भरोसा यू ताते परंदी।
नेवाई गेत जवाई पण आते परन दिन मामी तुमकी लेते हो दिमाग से ताण है ना डुबऱ्या भाईजान चिनबिन म्हणजे अरे तीन दिन जेल मारा है सन पूरा चिनबिन हुई गो बाप मी अरे बाप मच्छरन काट काट के पूरा बेहाल कर दिया साला कमाना दोनों में गेम उसकी याद आपला अरे मुझे क्या पता मैंने जिसका नाम डाला वो यही डीएसपी होगा डीएसपी ना सोड़ पण तू ना त्या मरेल लोकस यादी मा नाव टाकी देन ते ना काय खाय बाबा खाय अरे बाप रे संजू डुबरे की क्या खबर छपी है देख हाँ 100 कोटी ची रेलवे फक्त 2 लाखात डुबऱ्या भाई एंड कंपनी चल रे आपण देखे उनका गेम अरे शिलगाड रे बाप ते सा नांदे लाग सूत ते आपण चेटी माग सूत साली मनी ते सूट कुठून करी आणि वंबी आज मनी पाटले बी आणि जवळी पाटली बी तेल लगे पाहिजे होतो हा नाव मान आता ते यम होती पण हा डे रेल्वे गाड्याचा पत्ता नाही अरे टेन्शन मत लो मामी काय टेन्शन मत लो तेच ना 10 लाख रुपये लीस नी अहमदाबाद सुरत पाहिजे होता आपण काय खेळशे रंदी काय समजत नाही मला आई ते आपले दोन्ही लेंड्या पाडतील जवाई ना काय शे जवाई घुस कशी टेबल ना खाली घुसी जाई अरे मामी वो रेलगाडी लिए बिना चल जाएंगे असे वो भी खाली हात बरं जातील त्या 2-2 लाख रुपये देतील आणि बिगर रेल्वे गाडी लेवायला राहतील का त्या अब ये बताओ मामी रेलगाडी सड़क पे दौड़ती है क्या ती थोड़ी मोटर गाड़ी से ते सड़क पर पहिनते तो रेलगाड़ी लोहे की पटरी पे दौड़ती है मालूम है ना हाँ रेलगाड़ी लोखंडी पटरी पे है फिर यही तो गोलमाल है गोलमाल मंजे जब वो रेलगाड़ी लेने आएंगे तो हम उन्हें कहेंगे हमारी फैक्ट्री में रेलगाड़ी तैयार है तुम गाड़ी ले जाने के लिए लोहे की पटरी बनाओ और अपनी अपनी गाड़ी लेकर जाओ अरे क्या कसले बने तुम बाप एवढा रेलगाडी पट्टा वो पटरी बनाएंगे नहीं हम रेलगाड़ी देंगे नहीं किस्सा खत्म पैसा हजम बाप रे काय दिमाग से हो तुम ना येडा बने पेडा खावाला तुम्ही त्यातले मला सोनी ना सोनचे कितलो हुशार छे बहीन मनी सब लोके म्हणतो तुमले डुबऱ्या भाईजान अब देखो डुबऱ्या भाईजान कैसा करता हूं को हैरान डुबऱ्या भाईजान आम्ही एक दूध बरं आधार कार्ड सर दरवाजा खुला है राम राम भाईजान राम राम क्या रेलगाड़िया बनी है सर जी आपकी एकदम फर्स्ट क्लास फॉरेन का मॉडल एकदम टकाटक फॉरेन का मॉडल अरे मैंने प्रधानमंत्री को ईमेल से फोटो भेजा रेलगाड़िया देख के बहुत खुश हो गए नरेंद्र मोदी ओ बाप रे मोजीले आवडण्यात आमने गाड्या पण रेल्वे गाड्या शेतकुटे बाहेर तर समजा सामसून दिखी राहिन तुम्हारी 5 रेलगाड्या मेरी फॅक्टरी में तयार खड़ी है आओ मग चला ना द्या आमना गाड्या मनी गाडीचं डायरेक्ट सूरत बारडोली पाड सुन मनी इंदूर पाई भो मनी तर मुंबई पाई मनी तर पुणे कोल्हापूर मनी नागपूर अरे यार रुको तो पर तू मुने ले कैसे जाएंगे कशा म्हणजे अरे रेल्वे गाड्यासाठी लोकांनी पट्टाची लाईन ताकी कडे जा बाप कर रेल्वे गाडी काही मांजर ना बच्चांनी बगल मग मारशात लय जाशे तुम्ही अरे हा सालं अरे बसून आते गाडीस ते कसं ले जाऊ भय ना तमाशा आहे तो कोणा जाणार उन्होंने दोन मिनिट ना शेमल्या पुरेल मायचे की रेल्वे गाडी पट्टावर पडेल तुम्ही दाखवू टेम्पेन पैसे तर जाने दो मॅडम अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं सुनो भाई तुम्हारा पैसा करो काय करू अपने गाँव से लेकर मेरी फैक्ट्री तक अब तुम रेल की पटरी बनाओ हम ना गाँव पे दिन तुम ना फैक्ट्री लोग आगड़ी ना पट्टा हाँ जब पटरिया बन जाए तब मेरे पास आओ और अपने अपनी रेलगाड़ियाँ लेकर जाओ हो रेल ना पट्टा नहीं इलेक्ट्रिक ना खंभा करना पड़े तुम ले लाइन रही तो रेल पे ना तो मेरा बाप रे है तो आप जो दिन के ना काम से काय तो बंद अच्छा का क्या सोड़ रहा था तुम्ही कोनी मने मन गाड़ी कोला फुर जाए कोनी मने सोला फुर जाए जा जाओ त्या गाड़िया आपला पैसा वापस ले लिया पैसा नहीं मिलेगा भाई हमने पैसा गाड़िया बनाने में लगा दिए ले गाड़िया तैयार है अटे तुम्ही तिथले सडू द्या नाही ते पडू द्या हाय तुम्ही तुमने सोचा अरे भाऊसो आता कसं करतं आपला पैकी सेगा कोणा मरेलो लाईन टाकन टाकत तू रे भाऊ नाही रे भाऊ तू नाही दादा मी काय एवढा तया पुरा नाही मले माहित छे कोणीच ताकत नाही एवढं रेल्वे लाईन टाकन मग आते आते एकच करा
आपला पैसा जर पाणी सोडा आणि घरघर तरफडा. चला जाऊ द्या, सोडा ते साला बाबा भी गायत आणि दसमे भी गायत, निघा घरकडे. वा डुबरे भैजन, काट लिए सबके कान. वा यानच म्हणतात दिमाग मालेगाव का झिंजा है ना, उसके साथ लफड़ा है बम्बी का. तेरे साथ लाई राजू ले तेरे तेरे मरी मायना वा खाइए मले सापड़ा ले जे जे तो झिंग्या तने तंगड़े तोड़ सुवी. तुम गालिया बको दिन रात झिंग्या बम्बी के आएंगी बारात. मन मम्मी ले, वाह मम्मी, देखा इधर
फोडली मालेगाव ना हिरो करा तर त्याने नाक तोडे मन राहिली काय तुम दोनों बहना एक सरीचे है क्या दिखने में एक जैसा दाचा करने में एक जैसा मैं क्या तुम्हारे को भिंगोटा दिखता क्या ती मला एवढा खूबसूरत जवाईले नाक तोडा बोलली म्हणून मी तुला भिंगोटा बोललो हो मला जवाईले काय भिंगोटा म्हणतो तू मला जवाई ती कल देड बिल पण चांगला चांगला असले करत कला तुला जवाई ना माहित नाही बिल बंद देखो ना मामी मैं क्या बिल बंद है क्या अरे जाने दो मामी तुम भी काय को जाने दो तिने पोरले एवढं वागी निघी काय वागी हो तुम्ही मन पोरले लाकूडने जिलपीला गटकट टाकी खावाडे का नाही काढे तुला तुलेच माहित बिगर चाराने राहे का ती गे ना मैस ना गप देख ना मम्मी मी मयूष आहे का मी तर अजून पाहिली छे तू चुप बटवा देख वर रंबी तुले मन बंबीना लगन ले ये ना शे का नाही येना शे तेवढं फक्त सांग व मंडी तिला लगिनले तर काय तर तुला दोन्ही मौतले बी यावं नाही म्हणतो मी नाही येत ना तर चेक ताती दुबऱ्या जवाई तुमले सालीन लगले येणं शे का नाही येणं शे आणि गटलो बा ना तुम्ही चालणार मी नाही सांग ना तुमले शी लग्न तर शील का फुगा ताती चला जाऊ बाबू जल्दी से है ना ये तुम्हारा दादा को बताना पहले लो उनका नंबर